हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कंचन ठाकुर, आशा कपूर, शीला देवी, फूला ठाकुर, सुनीता, प्रतिभा शर्मा, रजनी ठाकुर, आशा, सुदेश शर्मा एंड शिखा मेहता, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 22 लोग आए हैं, बाकी लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं क्लास में। और पिछले कल टेस्ट सिर्फ 26 लोगों ने दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारा शुरू होने जा रहा है और इससे पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये। और अगर आप पीजीटी ही पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अभी पहले के एक दो लेक्चर जो है आपके काम के उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एलटी कमीशन के लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से सारे लोग ही जो है एलटी कमीशन की तैयारियां कर रहे होंगे। वनस्पत पीजीटी तो चलिए बीच में खैर आ गया है ना, ऐसा ही है। तो जो चीज है उनको देखिए नेट। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो रहा है उसके बारे में। दिख रही है स्लाइड, दिख रही है सबको? जी सर। ओके, सब कुछ ठीक है? रिकॉर्डिंग, वॉइस एंड स्लाइड विजिबल है? यस गुड सर। इवनिंग। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एलटी कमीशन के लिए देखना बड़ा जरूरी है ये वाले लेक्चर, क्योंकि पीजीटी में नहीं आएगा आपको इतना डीप। ठीक है, पर आपको याद क्या रखना है, आपको पढ़ना इनको वैसे ही है कि आपका एलटी कमीशन भी होगा और पीजीटी में भी आपको ये प्रश्न आएंगे। ये सोच के अगर हम इसी माइंडसेट से जाएंगे कि पीजीटी में शायद ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी तो इसलिए इसको कम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। परीक्षा में आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले के एक दो लेक्चर हो सकता है आपके लिए ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन फिर भी आगे से जो आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र रहेगा वो आपके लिए डेफिनेटली काम क्या रहने वाला है। यहाँ पर है आपका, देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम दो तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली चीज हम रखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, जो प्राचीन लेखक हैं वहां से शुरुआत हम प्राचीन से ही करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम करेंगे मध्यकालीन चिंतक, और उसके बाद जो आधुनिक में लगभग वो ही रहते हैं सारे। आधुनिकता को हम देखते हैं इस तरीके से, जो प्रमुख सिद्धांत और प्रमुख जो वाद रहे हैं वो कौन कौन से रहे, वो चीजें हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राचीन जो आपके चिंतक रहे हैं तो वो कहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हुई पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो ये आपको याद रखना है कि यूनान में पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जन्म हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखना ये वाले टॉपिक्स। अगर जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं अगर वो लाइव तक पहुंच पाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे के जो आने वाले 9-10 दिन हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है देखना। इनमें 5 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, जो 5 पार्ट इसके रहेंगे, है ना, उसके लिए आपको तैयार रहना है। देखना अभी से मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये तब तक है जब तक आप इन तक पहुंचते नहीं है। जब आप एक बार इनको देख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, आपको इधर उधर जाने की जरूरत जरा भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कहाँ पर जन्म हुआ इसका पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, तो ये आपको याद रखना है कि ये यूनान में, या पाश्चात्य साहित्य का, काव्य शास्त्र आप नहीं कहेंगे, सिंपली आप साहित्य कहेंगे। तो ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है देखना। दूसरे नंबर पर आपका जो मध्यकाल आएगा, तो मध्यकाल में आपके फ्रांस वगैरह जो भी रहे, आपका इंग्लैंड रहा, आपका ये रशिया रहा, स्पेन रहा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का जो साहित्य रहा है। ठीक है, जो मध्यकालीन साहित्य, हालांकि मध्यकाल को माना जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अंधकार युग के नाम से, या अंधकार काल उसको कहा जाता है। और अंधकार काल जो समय रहा ये 5वीं से लेकर के 15वीं शती तक का जो समय माना जाता है वो अंधकार काल का समय माना जाता है जो आपको मध्यकाल में रहा। हालांकि मध्यकाल का जो समय रहा ये माना जाता है 18वीं शती तक पहली दूसरी से। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट में फिर आपका आधुनिक काल आ जाएगा जिसमें आपका 18वीं शती के बाद के नाम आ जाएगा, जिसमें हमने विविध वाद, वादों से रिलेटेड प्रश्न आपको देखना कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे रूपवाद हो गया, विखंडनवाद हो गया, है ना, आपका प्रतीकवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, और दूसरे संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ये जो वाद आएंगे ये हमारे आधुनिक काल में रहेंगे। तो इस चीज को आपने वहीं से याद रखना है। तो इस तरीके से तीन भागों में हम बांटेंगे इसको। पहले जो दो हैं वो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर सबसे पहले इसने कहा कि पाश्चात्य जो आपके काव्य शास्त्र की शुरुआत रही, प्राचीन जो यूनानी चिंतक रहे, यहां से सबसे पहला जो चिंतक आता है यहां पर उसका नाम रहा होमर। होमर से आपको क्या याद रखना है, इनका जो समय रहा वो रहा ईसा पूर्व 9वीं शती। बहुत ही
महत्वपूर्ण है देखना आपके होमर। एंड ईसा पूर्व नवीं शती इनका समय रहा, यूनान का सबसे पहला महाकवि इन्हें ही कहा जाता है, ये चीज याद रखनी है हमें, यूनान का पहला महाकवि। ये व्हाइट कलर का ठीक लग रहा है पेन या कुछ पीले कलर का करूं इसको? सर ठीक लग रहा है। नो सर ठीक ओके है। ओके, यूनान का पहला महाकवि कौन रहा? होमर रहा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इनकी रचनाओं के नाम क्या रहे, इलियड और ओडेसी, दो रचनाएं रही इसकी देखना, इलियड और ओडेसी लिखना, ध्यान रखना ये है इलियड, आगे आएगी एक रचना इनियड, ई नी, ठीक है, तो इनियड अगर होगी तो वो वर्जिल की हो जाएगी, अगर ओडेस ये इलियड हो जाएगी तो वो होमर की हो जाएगी, हालांकि उसको आगे रखा है, उसको अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत यहां पर नहीं है, बहुत बारीक चीजें हैं और हल्की सी चीजें, यही चीजें आपको पुराने पेपर में एलटी कमीशन में खासकर आप देखेंगे पूछी गई हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है आपका कि अगर पूछा जाए कि प्राचीन जो साहित्य कहां पर रहा, ये यूनान में रहा, यूनान का प्रमुख लेखक कौन सा रहा पहला महाकवि? होमर रहा, होमर का समय क्या था? नवी शती, नवी शती में भारतीय साहित्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय माना जाता है किसका? ये माना जाता है आपके जो वैदिक संस्कृत रही उस समय जो हमारा लेखक वहां पर हो गए थे, है ना, ईसा पूर्व नवी शती, नहीं ईसा पूर्व में यही था या कुछ और था? नवी शती नहीं, ये नहीं होगा, वैदिक संस्कृत थोड़ी होगी, कौन सा होगा आपका ये पाली प्राकृत, लौकिक ये वाला, लौकिक संस्कृत होगी सर। वो तो 900 है ना, है ना, ये सिर्फ नवी शती, ऐसा होगा, गड़बड़ कर दिया कुछ, अपभ्रंश होगा, सुनीता मैम कह रहे हैं, हाँ वैसा करके वो है 900, यहां पर है सिर्फ नवी शती, ठीक है, नवी शती पूर्व, ऐसे करके। फिर यहां पर ये क्या कह रहा है कि यूनान के पहले महाकवि, रचनाएं याद रखनी है दो, इलियड और ओडेसी, एंड रचना का उद्देश्य देखना, यहां पर जब काव्य प्रयोजन हमने पढ़े थे ना भारतीय काव्य शास्त्र में, उनको आपको याद रखना है, जो काव्य प्रयोजन थे कि काव्य का जो उद्देश्य है वो क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र में हमने देखी जब लास्ट जो हमारी स्लाइड थी जहां पर हमने पाश्चात्य चिंतकों को भी रखा था, तो वहां पर ही हमने वैसे इन चीजों को पढ़ लिया था कि इनके अनुसार काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन क्या रहा है, तो इनका जो प्रयोजन रहा यहाँ पर आनंद प्रदान करना रहा है, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य और आनंद के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है, तो मतलब ये रहेंगे आपके कलावादियों में। देखिए अगर आपको पूछा जाए ना, जैसे हम देखते हैं कि कलावादियों से उन्होंने क्या माना था कि जो आपका साहित्य है उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ कला के लिए है, आनंद के लिए है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से होमर से कितने प्रश्न बनेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है इनका एक समय, दूसरा बनेगा इनका जो पहला महाकवि, तीसरा बनेगा कहाँ से संबंधित थे, यूनान से संबंधित थे, चौथा प्रश्न बनेगा रचनाओं के नाम, इलियड और ओडेसी, पांचवा प्रश्न बनेगा इनकी रचनाओं का उद्देश्य क्या रहा है, ये वाला, तो मतलब एक ही रचनाकार से आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आरंभ में एक और प्रश्न अगर इनसे पूछा जाए कि होमर किस प्रकार के लेखक रहे हैं, तो यहां पर जाना जाता है मतलब इनका जो काव्य रहा वो महाकाव्यात्मक, एक प्रबंधकार के रूप में इनको मानेंगे हम, ठीक है, और इसीलिए इनको महाकवि कहा गया, जिस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है, ठीक वैसे ही ये भी महाकवि ही रहे, इसलिए हम इनको प्रबंधकार की श्रेणी में रखते हैं। एलटी कमीशन में खासकर आप देखे होंगे ये पिंडार जो यहाँ पर लिखा है, देखना इसने किस विधा में रचनाएं रची हैं, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था लास्ट से लास्ट टाइम, ठीक है, तो पिंडार ने किस विधा में लिखा है, देखिए ये एक गीतकार के रूप में रहे, तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर होमर से भी पूछा जा सकता है कि होमर किस प्रकार के लेखक रहे, यहां से आपको याद रखना कि ये एक आपके जो प्रबंधकार के रूप में रहे हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर, यहां पर हेसियड, इनका समय रहा 8वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है, 8वीं शताब्दी पूर्व, मतलब इनसे थोड़ा सा लेट आगे, देखिए फिर इनकी जो प्रमुख रचना रही थ्यागुनी, ये नाम आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है देखना ये, और थोड़े से उठटांग नाम हो सकते हैं पर आपको याद तो रखने पड़ेंगे, अब इसके लिए कोई चारा नहीं है, आप चाहे टाइम टेबल के सामने अपना जहां भी आप सोते हैं बैठते हैं वहां पर इनको लगा दीजिए, एक तरफ इन कवियों के नाम, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम। दूसरा प्रश्न इनसे ऐसा ही बनेगा, इनके प्रकारों से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, और कोई ज्यादा खास प्रश्न वैसे इनसे बनते नहीं है, तो रचना का नाम याद रखना है एंड इनका संबंध किस कंट्री से रहा ये याद रखना है, बाकी चीजें इनके बारे में कोई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, एंड थोड़ा सा ये काव्य के बारे में क्या चीजें कहती हैं कहते हैं वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा याद रखना, जैसे काव्य प्रयोजन ऊपर आ गया ना कि होमर किस प्रकार के लेखक रहे हैं, तो आपने याद रखना कि ये आनंद प्रदान करना मानते हैं हमारे काव्य का जो मुख्य उद्देश्य रहा है। अब हैसियत से क्या चीज याद रखनी है आपको? हाँ सर, ये भी यूनान से थे ना?
हाँ यूनानी चिंतक ही पढ़ रहे हैं हम आज, देखना जितने भी आएंगे ये सारे यूनान के ही हैं, ठीक ओके है, ये सारे वहीं से ही रहेंगे। नेक्स्ट चीज क्या रखनी है इनके बारे में, याद रखिए फागुनी इनकी रचना हुई है और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आनंद के साथ साथ नैतिकता पर भी बल दिया है। ये चीज देखिए दोनों के बारे में डिफरेंट हुई ना, तो ये समन्वयवादी रहे, इन्होंने समन्वय स्थापित किया आनंद के साथ साथ भी नैतिकता की बात भी इसने कही कि भैया जो हमारा साहित्य रहा है उसका उद्देश्य आनंद प्रदान करना तो है लेकिन वो नैतिकता पर भी बल देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, यहां पर उसने उपयोगितावाद नहीं कहा, यहां पर उसने नैतिकता कहा, मॉरेलिटी कहा, मॉरेलिटी होता है ना, मोरल होता है, नैतिकता या कुछ और होता है, अंग्रेजी किसकी अच्छी भाई, सारों की ही होंगी मॉरल जितने भी तो लोग होंगे। हाँ मॉरल तो साहित्य मानव हित में होना चाहिए, यह उनकी प्रमुख मान्यता रही है, ठीक है। देखिए मानवता की बात अगर कही जाए भारतीय काव्य भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण से तो मानवतावादी रहे हैं, देखना वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं साहित्य को किसकी दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये किसने कहा था, मैं साहित्य को मानव की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वहीं से आपको याद रखना कि वो कह रहे हैं हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था। तो यही चीज यहाँ पर कौन कह रहे हैं, हैसियर भी कह रहे हैं कि मानव हित में होना चाहिए, यह इनकी प्रमुख मान्यता रही है। तो हैसियर से एक प्रश्न बनेगा जो आपके कहाँ के रहे, यूनान के रहे, और इनकी प्रमुख रचना थ्यागुइनी, एंड रचना का जो उद्देश्य क्या है, आनंद के साथ साथ नैतिकता पर बल देना है, ठीक है, और साथ साथ कह रहे हैं कि आपका साहित्य में मानव हित में होना चाहिए। यहां पर फिर से एक बार लिखा गया नीचे देखिए कि हेसियड और होमर ये दोनों अपने महाकाव्यों के लिए ही प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कि सही मायने में व्यवस्थित रूप से काव्य शास्त्र का जो उदय पश्चिम में किन से माना जाता है, तो वो प्लेटो और अरस्तु से माना जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि प्लेटो और अरस्तु से पहले के जो रचनाकार रहे हैं इनसे आपको एल्टी कमीशन में प्रश्न देखना बहुत बारी पूछे गए हैं, तो हेसियड से हो चाहे होमर से हो चाहे आपके पिंडार से हो, इनसे प्रश्न आपको रखे गए हैं, इसलिए ये जो पहली वाली स्लाइड ही है इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हेसियड और होमर अपने महाकाव्यों के लिए प्रसिद्ध है इसलिए हम इसको प्रबंधकार के रूप में इन दोनों को रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यूनानी साहित्य चिंतन के अंतर्गत गीतकार के रूप में ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी, देखिए अब छठी शती तक हम पहुंच गए, छठी शताब्दी के पिंडार प्रसिद्ध हुए और इनकी प्रसिद्ध रचना इपिनिका, ये वाली रचना याद रखनी है, देखना इपिनिका किसकी रचना रही, पिंडार की रचना रही है। हॉरेस इस रचना किससे काफी प्रभावित हुए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हॉरेस हॉरेस की रचना कौन सी रही, आर्स पोइटिका, देखना बहुत ही फेमस राइटर है हॉरेस, और इसकी ये जो आर्स पोइटिका है ना ये अक्सर पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी हॉरेस का जिक्र आएगा तो इपिनिका को आपने जरूर याद रखना कि इसका प्रभाव उसके ऊपर रहा है। तो ये गीतकार के रूप में है, देखना आपके पिंडार, ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बाकी इससे कोई एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा आपको। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई लगता है कि कोई चीज गलत हो गई है, तो फिर आप बता सकते हैं, समझ आ रहा है, मुश्किल नहीं है, देखना ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ऑल ओके, बढ़ जाए आगे, यस ओके सर नेक्स्ट यहां पर लिखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र, देखिए अभी हम प्रबंध काव्य की बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यहां पर अलंकार शास्त्र का प्रारंभ कब हुआ, ईस्वी पूर्व 5वीं शती के आसपास से माना जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत ही जरूरी बात ये कह रहा है यहां पर कि पाश्चात्य साहित्य में अलंकार शास्त्र का प्रारंभ कब से हुआ, ईसा पूर्व 5वीं शती, बहुत ही जरूरी चीज है ये अलंकार शास्त्र। अगर हम भारत भारत में देखें, भारतवर्ष में अलंकार रामायण ने चलाया था ना, अलंकार संप्रदाय, तो यहां पर हुआ छठी शताब्दी के आसपास, लेकिन यहां पर 5वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है ये चीज याद रखनी है, देखना दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ 5वीं शती पूर्व और वहां पर क्या है आपका, यहां पर रहा आपके छठी शताब्दी में, ठीक है, जो आपके भामा के द्वारा। आगे ये क्या कह रहा है, जॉर्ज सेंसबरी ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देखना ये पुस्तक वैसे ही है जैसे हमारे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ रहे हैं, वैसे ही इसको आपने याद रखना है, पाश्चात्य में जो जॉर्ज सेंसबरी रहे इन्होंने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या कहा, मैं सोफिस्ट को पहला अलंकार शास्त्री कहा है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पहला अलंकार शास्त्री कौन रहा, सोफिस्ट। लेकिन इसी पुस्तक में उन्होंने एक अन्य मत के अनुसार एमपी डॉकिल्स को भी
इसका अन्वेषक माना है। तो यहां पर आपको दो नाम याद रखने हैं कि इन दोनों को क्या माना गया पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, इनको अलंकार शास्त्र का जनक माना जाता है, एक सोफिस्ट को और दूसरे आपके एम्पीडोकल्स को। अब इन दोनों में अगर कोई भी नाम हो तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों किसके अनुसार है, जॉन सेंसबरी के अनुसार माने जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन सर्वमान्य जो नाम आपको याद रखना है वो सोफिस्ट को याद रखें कि ये कैसे रहे, अलंकार शास्त्री रहे हैं या अलंकार के संबंध में इन्होंने कुछ चीजें कही हैं, ठीक है। और इनकी कोई रचना वगैरह आपको उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो आपको पूछी जा सकती है। सिंपल सी बात यहां पर याद रखना है, पाश्चात्य में अलंकार शास्त्र का जो जन्म कब हुआ ये आपको याद रखना है, ईसा पूर्व पांचवी शती। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा, तो सोफिस्ट के द्वारा। सोफिस्ट के अलावा यहाँ पर अन्य कौन रहे, एम्पीडोकल्स रहे, इसको भी कई जगह माना गया है, ये भी इसके जनक रहे हैं या अन्वेषक रहे हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर देखिए अरिस्टोफनीज, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। अरिस्टोफनीज से आपको क्या चीज याद रखनी है, इनका समय जरूरी नहीं है एंड ये एक मनोविनोदी और व्यंग्य लेखक थे। देखिए अब ये किस चीज के लिए, हास्य व्यंग्य के लिए। मनोविनोद का मतलब होता है ना कि जो आपका विनोदी स्वभाव होता है, मतलब आपका मनोरंजक, ठीक है। व्यंग्य लेखक, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, एक व्यंग्यकार हास्य प्रधान लेखक अरिस्टोफनीज। तो पहले पिंडार रहे गीतकार, उसके जो पहले दो रहे वो रहे प्रबंधकार, बीच में आ गया आपके अलंकार शास्त्री, अब आ गया आपका मनोविनोदी और व्यंग्य लेखक। तो हर तरीके का स्टफ आपको यहां पर मिल रहा है। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, इंजॉय करके देखेंगे इसको तो ठीक लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये तो मुझसे होगा नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। बहुत ही आसान चीज है इनके बारे में, और इतनी ही चीजें आपको पूछी जाती है, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो तो नहीं रहे हैं खाना खाके, नींद आती है बड़ी अच्छी खाना खाके? चलिए ठीक है, बैठे रहिए और देखते रहिए, है ना, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अरिस्टोफनीज, इनका समय और इनकी जो प्रवृत्ति रही मनोविनोदी और व्यंग्य लेखक की, अपने नाटकों में इन्होंने सुकरात और यूरोपीडीज की हंसी उड़ाई है। ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, किन दो लोगों का अपने नाटक में इन्होंने सुकरात और यूरोपीडीज, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यूरोपीडीज इनकी हंसी उड़ाई है। यहां से आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इन्होंने किस विधा को समृद्ध किया, तो ये आपको याद रखना है कि नाट्य विधा को इन्होंने समृद्ध किया है, जो अरिस्टोफनीज रहे हैं, ठीक है, नाट्य विधा। अब देखिए यहां पर इनके कितने नाटक हैं, 54 हास्य नाटक लिखे थे, जिनमें से 19 ही उपलब्ध माने जाते हैं। तो यहां से आपको एक और प्रश्न बनेगा अरिस्टोफनीज से, ये किस विधा को इन्होंने समृद्ध किया, नाट्य विधा को, और किस प्रकार के नाटक लिखते थे, हास्य नाटक इन्होंने लिखे हैं, जिस प्रकार से भारतेंदु के आपके हास्य व्यंग्य प्रधान ये वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, और जो आपका अंधेर नगरी रहा है, ठीक वैसे ही नाटककार ये रहे हैं व्यंग्य लेखक अरिस्टोफनीज, ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके जो प्रमुख प्रमुख जो यूनानी काव्य शास्त्री रहे, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। देखिए जितने भी नाम हमने पढ़े, अलग अलग चीजों को, अलग अलग साहित्य की जो प्रवृत्तियां रही हैं, इनको इन्होंने समृद्ध किया हुआ है, ठीक है, सिलसिलेवार करके। अगर आपको कई बार मान लीजिए आपको क्रमानुसार भी पूछा जाए, तो इसी तरीके से याद रखना है, होमर, हेसियड, पिंडार, पहले के तीन ये हो गए। उसके बाद अगला जो नाम रहेगा आपका, जो हमने इससे पहले देखा, क्या नाम रहा उसमें, हेसियड, होमर, पिंडार एंड अभी जो पीछे वाला था, क्या नाम रहा उसका, नहीं हॉरेस तो नहीं, हॉरेस तो नहीं रहेगा, ये जो अलंकार शास्त्री सोफिस्ट रहे, ठीक है, हॉरेस तो नहीं आएगा इसमें, है ना। हॉरेस को हमने सिंपली ऐसे याद रखा कि वो उससे प्रभावित था, ठीक है, हॉरेस को हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल यहां पर अरिस्टोफनीज अगला जो नाम रहेगा, ठीक है, इसी क्रम में आपको ये याद रखने हैं अभी फिलहाल, जो यूनानी चिंतक रहे। देखना ये जरूर ध्यान में रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यूनान के चिंतक चुकों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाता है, आपने लास्ट टाइम देखा होगा, पूछा था ये कैसो, कैसेल, वेत्रो, है ना, ऐसे पूछे थे कुछ एक साहित्य चिंतक, तो जिनका संबंध इटली से रहा या कहां से रहा, वो चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन से उसमें प्रमुख नाम थे, ठीक है, जैसे शेलिंग, गोथे, कांट, इनको पूछा गया था एक बारी, है ना, योमन, शोकोलवस्की वगैरह, कि उनका संबंध किस वाद से रहा, कई बार वाद से पूछा जाता है, कई बार कंट्री से पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको वैसे करके थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, बाकी कोई मुश्किल प्रश्न यहाँ से आपको नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा सा खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, और पढ़ना क्या है वो आपको बस ये स्लाइड यहाँ पर दिख जाएंगी, है ना, कि इनको देखते रहिए, यहाँ से काम बन पड़ेगा। जी आशा मैम,
नहीं कहना है कुछ भी। हाँ सर ये चार ही हुए यूनानी चिंतक ना? हाँ हाँ और भी हैं, और भी हैं। अभी अच्छा और ये तो भी मैं है। हाँ थोड़ा आराम जी आराम से, आराम आराम से करवा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जी करवाना है जी क्या? नहीं 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 सर आराम से करिए, ये समझ नहीं आता है, पाश्चात्य थोड़ा टफ है। हाँ मैं तभी करवा रहा हूँ थोड़ा टुक रुक के, कि ताकि आप थोड़ा सा इसको एनालाइज भी कर लें कि इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक याद रखिए। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले के जो होमर और हैसियट है, उसके बाद पिंडार भी जरूरी है, फिर अलंकार शास्त्री से सोफिस्ट को, एंड एरिस्टोफनीज। पांच हो गए एरिस्टोफनीज के समय, तो पांच हो गए, और एम्पिडोक्लिस के साथ छह हो गए। तीन कहाँ हो गए, ज्यादा तो हो गए है ना, छह नाम हो गए, चार ही लिखे आपने क्या? हाँ जी सर, सबसे पहले होमर, फिर उसके बाद हैसियट, पिंडार, और अभी जो करवाया अरिस्टोटोफनीज, एरिस्टोफनी चार से ही ऊपर हुए। देखिए सोफिस्ट, ये भी तो है यहाँ पर हाँ जी सोफिस्ट, ए, हाँ ये जी सर, इनको बीच में ऐड कर हाँ दिया अलग से इनको भी। ऐड कर लेना, ऐड कर लेना। इनको पांचवी शती ईस्वी पूर्व आए ना, फिर ये तो बाद में आए चौथी शती में, ये आया 400 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऐसे करके जी इनको याद सर रखिए आप। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका जो यूनानी चिंतक रहा सुकरात। तो सुकरात के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा आपके पास अगर कोई बुक है तो। ठीक है, सुकरात यद्यपि एक संत, महात्मा, दार्शनिक, चिंतक और तार्किक व्यक्ति थे, पर काव्य शास्त्र से संबंधित उनका कोई प्रत्यक्ष विचार नहीं मिलता। ये बात आपको याद रखना है कि इनका जो काव्य शास्त्र से संबंधित कोई ऐसा, ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विचार हमें उपलब्ध नहीं होता है। उनके अनुसार शिक्षा जो है सद्गुणों का विकास करती है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं जो आपके सुकरात रहे, इनके अनुसार शिक्षा क्या है जो सद्गुणों का विकास करे। उनके आदर्श राज्य की कल्पना सुप्रसिद्ध रहा है ना, आदर्श राज्य की कल्पना की बात ये करता था। और इनका समय 469 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और इनके पिता का नाम था सोफ्रोनिस्कस। ये प्रश्न लास्ट टाइम पूछा गया था है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा एलटी कमीशन में लास्ट टाइम इसको पूछा गया था। ठीक है, सोफ्रो निस्कस था इसका नाम, इसके पिता का नाम है ना। प्लेटो रहे एक प्रत्ययवादी चिंतक। प्रत्ययवादी से हम क्या समझते हैं? ये रहे आपके आइडियलिस्टिक, मतलब एक तरीके से। ठीक है, चार भागों में बांटते हैं दिखना, पाश्चात्य सिद्धांत जो साहित्य सिद्धांत की जो चार प्रमुख दृष्टियां रही हैं, एक आत्मवादी रहा, एक आपका वस्तुवादी रहा, एक आपका प्रत्ययवादी, और एक आपके अनुभववादी। तो यहां पर जो आपके सुकरात रहे हैं, इनको हम मानते हैं कि ये प्रत्ययवादी चिंतक रहे हैं, एक आदर्शात्मकता वाली बात ये कह रहे हैं, आइडियलिस्टिक जो यहाँ पर लिखा है। देखिए प्लेटो से पहले तीन सिद्धांत मिलते हैं, ये चीज भी आपको। हाँ सर ये सुकरात प्लेटो सेम है ना, मतलब नहीं, प्लेटो नाम अलग है, एक ही कैंडिडेट? अच्छा नहीं, दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट हैं, ये सुकरात को एक क्या नहीं है। बोलते थे? सोक्रेट जो था, सोक्रेट्स, अरस्तु को कहेंगे हाँ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, ओके, हाँ तो ऐसा नाम था इनका है ना। तो यहाँ पर सुकरात से संबंधित कोई चीज नहीं मिलती है, इनसे बारे में जो थोड़ी सी चीजें हैं वो ऊपर लिखी गई हैं, तो इनको आपने याद रखना। ठीक है, इनको आपने याद रखना है सुकरात के बारे में, कि सुकरात से संबंधित जो प्रश्न आपको बनेगा वो कितना पर बनेगा, कि इनका जो एक इम्पोर्टेंट जैसी चीज आती है। आगे हमने इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से रखा है, अभी फिलहाल आपको यहाँ से इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो आपके प्लेटो रहे वो बाद में रहे, और सुकरात जो है आपका वो पहले रहा। ठीक है, गुरु थे ना इनके ये। ठीक है, सोफ्रोनिस्कस, ये आपको इनके पिता का नाम याद रखना है, बाकी इससे संबंधित कोई चीजें है नहीं ऐसी एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछी जाए कि इसने अनुकरण के अनुकरण की बात कही, ठीक है, या फिर किसने अनुकरण को कहा कि ये पुनः सृजन है, ऐसी चीजें आपको पूछी जाएंगी, तो उनको हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो यहां पर प्लेटो आ गया दूसरे नंबर पर, देखना इसको आपने बोल्ड कर देना, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक ही है, ऐसे तब कंफ्यूजन हुआ होगा है ना। प्लेटो को आप थोड़ा सा बोल्ड कर लेना खुद से, बाद में अपनी किताब कॉपी में जो भी है ना। सुकरात, प्लेटो, प्लेटो के बाद हुआ आपका अरस्तु। ठीक है, प्लेटो से पहले रहे तीन सिद्धांत, कौन कौन से? प्रेरणा, अनुकरण और विरेचन, ये सिद्धांत देखना। हालांकि आगे इनके बारे में हम मानते हैं कि जो आपके अनुकरण रखा और आपका जो विरेचन सिद्धांत दिया, ये किसने दिए? ये आपके जो अरस्तु रहे
उन्होंने इन सिद्धांतों को अपनाया है। इनसे पूर्व मान्यता थी कि कला या काव्य रचना क्या है, दैव्य प्रेरणा से होती है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना, जो प्लेटो कहते थे ना, इन्होंने क्या माना, खासकर प्लेटो से पहले भी जो लोग रहे, मतलब ये काव्य को मानते थे कि एक दैव्य प्रेरणा है, एक ईश्वरीय शक्ति है, उसकी वजह से ही साहित्य की रचना होती है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट के क्या कह रहा है देखिए, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के जो चार प्रमुख दृष्टियां रही हैं, आत्मवादी, वस्तुवादी, प्रत्ययवादी और अनुभववादी, ये चीजें भी आपको हो सकता है कभी कभार पूछी जाए, क्योंकि कुछ एक राइटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या कहते मतलब जो आपके उनके बारे में कभी कभार ऐसा प्रश्न जरूर बन सकता है कि इनमें से कौन सा राइटर जो है वो कैसा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई हमारे प्रगतिवादी रहा, कोई प्रयोगवादी रहा, तो वैसे करके यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रत्ययवादी रहा, कौन सा आत्मवादी रहा। तो वो आगे लिखे गए हैं यहाँ पर, पहले उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक राइटर्स के बारे में ही किताबों में उपलब्ध मिलता है, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले रहा सुकरात, जिसने राज्य के बारे में ज्यादा चीजें कही, या एक राजनीति के बारे में कहा, दार्शनिकता के बारे में कहा, लेकिन साहित्य शास्त्र के संदर्भ में कुछ चीजें उसकी नहीं मिलती है। फिर प्लेटो रहा, प्लेटो आपके आत्म ये प्रत्ययवादी चिंतक रहे, जिसने क्या कहा है ना, जिसने अभी यहाँ पर कोई दृष्टिकोण नहीं दिया, सिंपल सी बात यहाँ पर ये याद रखनी है, लेकिन बात हुई उनसे पहले की ही। ठीक है, यही चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बाकी यहाँ पर इनके बारे में अब विस्तार से देखते हैं। सुकरात को आपने ज्यादा चीजें इससे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लेटो, प्लेटो से रिलेटेड आपको क्या चीज याद रखनी है, देखिए यहाँ पर ये भी प्रत्ययवादी, काव्य शास्त्र संबंधी जो स्वतंत्र ग्रंथ इनका भी कोई नहीं मिलता है, जिस तरीके से हमें जो सुकरात रहे उनकी कोई कृति नहीं मिलती, ठीक वैसे ही आपको प्लेटो से भी याद रखना है कि इन्होंने भी काव्य शास्त्र के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही है। इनकी जो मान्यताएं मानी जाती हैं कि इनकी जो काव्य शास्त्र से संबंधित इन्होंने कुछ कुछ मान्यताएं दी हैं, है ना, कुछ कुछ इनके जो मत रहे हैं वो कहां पर रखे गए हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है इओन, रिपब्लिक और सिंपोजियम नामक जो इनके ग्रंथ रहे हैं, इसमें इनकी काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी इन्होंने बातें कही हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, इनको आपने ध्यान में रखना है। अन्य ग्रंथ भी इसके अलावा इन्होंने लिखे, यहां पर देखिए कौन कौन से ग्रंथ जो इनके माने जाते हैं, इनको आपने याद रखना है, जैसे क्रातिलुस हो गया, गोर्गियास हो गया, फ्रेद्रुस हो गया, फिलेबुस लॉज इत्यादि, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनको आप याद रखिए, कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में जरूर याद रखना है कि ये कौन कौन से कृतियों के रचनाकार रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिया शिक्षण की इन्होंने स्थापना की, जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, एकेडमिया शिक्षण संस्थान की स्थापना इसने की थी। प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार विचार ही चरम सत्य है, तो देखिए ये किसको मानते हैं, जो हमारा विचार है उसको ही ये क्या मानते हैं कि यही सत्य है, वह शाश्वत है और अखंड है, उसका सृष्टा क्या है, ईश्वर है। मान लीजिए कोई भी विचार है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ये कह रहे हैं कि उसके जो रचयिता है वो कौन है, ईश्वर है, यह वस्तु जगत विचार का अनुकरण करता है। देखना ये वाली जो लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसने बोला कि ये जो संसारिक जगत है ये इसका अनुकरण कौन करता है, आपका वस्तु जगत इसका अनुकरण करता है, किसका, जो हमारी विचार की अनुकरण करता है, जो हमारा जगत है। मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे आपका पहाड़ है या कुछ और चीजें हैं, तो वो पहाड़ क्या है, वो मेन है, वस्तु है। अब जो जगत है वो क्या कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, उस विचार का। तो यहां से आपको याद रखना है कि कोई भी चीज है आपके पास, है ना, उसका जब हम उसके ऊपर साहित्य रचना करते हैं, जैसे सूर्य है, कोई और चीज है, चंद्रमा है, आपकी लालिमा है प्रातः काल की, उस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसके अनुसार उसको लिख रहे हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये कह रहा है कि कला जगत क्या है, वस्तु जगत का अनुकरण है। ठीक है, कला जगत क्या है, वस्तु जगत का अनुकरण है, दोनों ही चीजें वही चीज है, मतलब कि कला जगत किसका अनुकरण है, वस्तु जगत का, मतलब एक कला है, हम किसी दूसरी वस्तु का वहां पर क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर याद रखनी है आपको। आगे यहां पर थोड़ा सा कुछ और लिखा गया है, इससे आप थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि इस प्रकार जो कला जगत है ना, वो किसका अनुकरण है, अनुकरण का ही अनुकरण है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपके सामने एक मेज है, ठीक है, अब वो मेज क्या है, वो आपका एक वस्तु है। ठीक है, ये कह रहा है जो हमारा कला है, कला जगत है, वो क्या है, उस अनुकरण, तो वो जो मेज है वो किससे बनाया गया है, वो एक उसको भी कहीं ना कहीं से अनुकृत किया गया है ना। अब ये कह रहा है कि उसका अनुकरण है फिर आगे जाके जो हम बनाएंगे आज के समय में एक और मेज नया। ठीक है, तो इस प्रकार इसने ध्यान रखना है कि इसको क्या कहा, कि जो आपका कला है, जो आपका सृजन है, वो क्या है, अनुकरण का ही अनुकरण है, जो सत्य से 3 गुना दूर है। अब वास्तविकता क्या है, हमें क्या पता कि प्रारंभ में मेज कैसे था। ठीक
ठीक है, इसलिए हमने अनुमान किया, अनुकरण किया कि एक रचना है हमारे सामने रखी हुई, जैसे मेरे सामने अभी टेबल पड़ा हुआ, मैं इसको देख रहा हूं कि ये एक है। अब मैंने इसको बनाने की कोशिश की। अब जो ये अरस्तु रहा है, सॉरी प्लेटो रहा है, इसने क्या बोला, हमने इसका अनुकरण किया और इसका अनुकरण भी पहले किसी ने किया था। इस प्रकार जो मेन रचना है वो कहां पर रह गई, उसका हमें कोई मालूम ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या है, वो सत्य से कितनी दूर है, 3 गुनी दूर है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, देखना कि इसने कला जगत और दूसरी चीज को क्या कहा, अनुकरण का, अनुकरण कहा, और सत्य से कितने दूर माना है इसने, विचार को, विचार को इसने सत्य से माना है 3 गुना दूर। ये चीज ध्यान रखनी है, देखना समझ में आ रही है बात या नहीं। प्लीज एक बार फिर से समझा दो उसको। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फोन है ना, फोन है ना आपके पास, जिससे हम क्लासेस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक नया फोन इजाद करना है, तो हम पुराने फोन का क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं। जी सर, अब ये निश्चित। देखिए, एक जो पुराना फोन है हमने उसको उसके आधार पर नया फोन बना लिया, लेकिन वो वैसे पुराने की तरह तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ कमियां तो उसमें रहेंगी, ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब जो पुराना भी बनाया गया वो भी तो किसी का अनुकरण है, किसी विचार का, है ना, किसी वस्तु का, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि जो मेन चीज है ना, जो हमें दिख भी रही है, वो भी किसी का अनुकरण है, इसलिए वो सत्य से दूर है भाई, समझ में आई अब बात, कि एग्जैक्ट वही नहीं है, ठीक है। नहीं आया समझ अभी यस भी? सर, ओके सर ओके, जैसे तो वो यहां से आपको, हाँ बोलो बोलो। जैसे कोई अच्छी, मतलब जैसे वो सभ्यता और संस्कृति का एग्जांपल देते, वैसे ये भी है, मतलब कि जो चीज मतलब डिस्कवर हो चुकी है पहले, हाँ, मतलब जो वही मतलब चीज, वही पहले, चीज, अच्छा वही चीज है ये, जैसे हाँ, न्यूटन ने जो है इसमें वो, सिर्फ साहित्य के संदर्भ में है कि थोड़ा सा बस ये पुरानी हाँ चीज है उसको फिर से हमने लिखा, लेकिन उसमें वो पुरानी चीज वाली जो प्योरिटी है ना वो नहीं रहती, इसने बोला कि वो अनुकरण ही जी रहेगा। जी जी हाँ हाँ, जी हाँ जी यही सही चीज है ये सर। मान रहा है, बस यही है, कोई ज्यादा खास बात इसमें नहीं है। तो यहां पर इसने बोला कि सबसे पहले मान लीजिए एक विचार है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वस्तु जगत में वो आया, है ना, वस्तु जगत के बाद साहित्यकारों ने उस पर लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जो सही मायने में वो बात कहां रह गई, यहां रह गई ना, 1 2 3, सत्य से 3 गुना दूर है ये, ठीक है। प्लेटो के अनुसार काव्य के भेद भी कितने माने इसने, फिर ये भी आपको याद रखना है कि काव्य के भेद भी इसने 3 ही माने हैं, ठीक है। सबसे पहले माना इसने अनुकरणात्मक, तो अनुकरणात्मक के अंतर्गत इसने रखे प्रहसन और दुखांत नाटक। प्रहसन से आप सुखांत भी कह सकते हैं, और जो आपका दुखांत तो आप सब लोग जानते हैं, इसको विषादांत नाटक भी कहा जाता है। देखना एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रहसन रहा इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें हास्य और व्यंग्यात्मकता रहती है, जो हमने काव्य के, सॉरी जो नाटक के अंतर्गत हम पहले ही पढ़ चुके थे। दुखांतता से आपको याद रखना है कि जो ये दुखांत नाटक रहे हैं, इनको माना जाता है कि ये सामाजिकता के बहुत ज्यादा करीब हैं और समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं दुखांत को, क्योंकि इसमें हमारा क्या रहता है, यथार्थवादी जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको ज्यादा याद रखनी है, ठीक है। वर्णनात्मक रहा, जो दूसरा काव्य का भेद रहा, वर्णनात्मक में आते हैं आपके प्रगीत, प्रगीत को कहा गया है यहाँ पर डिथिरैम्ब। देखना ये चीज है ना, आपको जरूर याद रखनी है कि इनके अनुसार काव्य के कितने भेद हैं जो आपके प्लेटो रहे, क्योंकि हमने पहले जो, मैं एक चीज मैंने आपको कही थी कि प्लेटो और अरस्तु से ही हम मानते हैं कि इनसे क्या हुआ, इनसे सही मायने में हमारे जो आपका साहित्य रहा, देखना जो आपका ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो रहा है, इसकी सही मायने में जो एक व्यवस्थित जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो इन रचनाकारों से ही मिलता है। इसलिए ये काव्य के भेदों के बारे में क्या कहते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप सही तरीके से याद रखें कि इन्होंने काव्य के कितने भेद माने हैं, है ना, इम्पोर्टेंट जैसे चीजें हैं, देखना ये, इसको आप थोड़ा सा जरूर याद करके रखिए, ठीक है। तो सर एक चीज प्लेटो और, से, जैसे कि हाँ सॉरी सर, वो बोलो एक्चुअली सर बोलो, एक चीज समझ नहीं आई, जैसे ये जो आपने पीछे बताया कि काव्य शास्त्री संबंधी, जो शास्त्र संबंधी जो उनकी मान्यताएं थी, उन्होंने वो सर इन बुक्स से ली, मतलब उन्होंने जो योन है, रिपब्लिक है, हाँ मतलब हाँ हाँ ये हाँ जो बुक्स यस हैं, ये हैं किसी जी और जी की एक्चुअल में, इन्होंने कोई बुक नहीं नहीं लिखी नहीं इसके ऊपर। रचनाएं इन्हीं की हैं, रचनाएं ये इन्हीं की हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं जी बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मैथिली शरण गुप्त है एक, ठीक है, हाँ जी मैथिली शरण गुप्त है,
हम लोग सब जानते हैं कि मैत्री शरण गुप्त ने लिखी है भारत भारती, ठीक है। हम्म, अब जो उसने भारत भारती लिख दी, अब भारत भारती एक रचना कैसी है? वो रचना तो है वो आपकी देशभक्ति पूर्ण, ठीक है, या जी उसकी कविता है वो, मतलब वो कोई काव्य शास्त्र के ऊपर नहीं लिखा गया है सही मायने में ग्रंथ। लेकिन उसने फिर भी उसमें एक बात कही जो काव्य शास्त्र ने अडॉप्ट की। जैसे उसने कहा ना कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, ये बात कही ना उसमें। जी तो ये उसका काव्य शास्त्री सिद्धांत जो वो ऑटोमेटिकली निकल गया, समझ मारी बात। तो जी सर, यही चीजें यहां पर जो आपके प्लेटो रहे उनने कोई स्वतंत्र रचना नहीं लिखी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, उन्होंने लिखा काव्य के लक्षणों के ऊपर, समझ मारी। उन्होंने काव्य के जी लक्षण के ऊपर टोटली बुक बुक लिख डाली। जैसे कवि प्रिया रसिक प्रिया, उसमें कवि का कर्म क्या होना चाहिए, जैसे आप भारतीय काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें, राजशेखर काव्य मीमांसा, उसने बोला कि काव्य कभी अलंकार में होना चाहिए, कभी अलंकार में ही नहीं होना चाहिए। तो इसने स्वतंत्र रचना रची वो कि किसके ऊपर, साहित्य शास्त्र के ऊपर। लेकिन इन्होंने ऐसी स्वतंत्र रचनाएं नहीं रची, उसमें उन्होंने कुछ और चीजें भी रखी हैं साहित्य में, ठीक है, साहित्य की। जी सर, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज भी समझा दी कि ये चीजें रहती हैं, साहित्य ऐसा ऐसा भी होता है। तो यही था कहने का जी मतलब सर, कि काव्य शास्त्र से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो इनकी कुछ एक रचनाओं में मिलती हैं। तो वो रचनाएं कौन थी, वो यहां पर आपको जो पहले हमने रखी थी। ओके, यस, यस। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। बाकी जो काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं होंगी उनको आपने प्रमुख रूप से याद रखना है, वो ज्यादा जरूरी होंगी क्योंकि हमारा जो विषय ही है वो आपका काव्य शास्त्र का ही रहा है। तो यहां पर इसने बोला कि जो वर्णनात्मक काव्य रहता है उसमें आते हैं आपके प्रगीत, फिर प्रगीत के आगे फिर से तीन भेद कर दिए, एक है शब्द, दूसरा है माधुर्य और लय। ये तीन चीजें मानी जाती है दिथिरैम के लिए। शब्द, शब्द से बनेगा आपका माधुर्य, माधुर्य से बनती है आपकी लय। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर याद रखना है। और मिश्र में इन्होंने क्या रखा, महाकाव्य को रखा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो प्लेटो से आपको याद रखना है कि प्लेटो जो रहे ये साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है। ये कहता है कि एक जो साहित्यकार है उसकी हमें आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, वो ऊपर उसने बोल दिया कि ये सत्य से 3 गुना दूर रह जाता है फिर अगर वो इस चीज का वर्णन करता है। तो इसलिए ये बोलता है कि जो साहित्यकारों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं देता, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। ये वाला जो इनका कथन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने साहित्यकारों को ही निष्कासित कर दिया, ठीक है। एंड प्रमुख जो कथन था इसका, ये यहाँ पर कहता है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। ये बात इन्होंने, हालांकि राजनीति के क्षेत्र में भी ये चीज पूछी जाती है राजनीति शास्त्र में। दूसरी चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका जो प्रमुख ये कथन रहा है जो इन्होंने रिपब्लिक नामक अपनी रचना में कही थी, ये वाली बात, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए साथ में। ओके, यहां तक ठीक है। यस सर, तो जो दैवीय प्रेरणा वाली बात हमने कही ना, वो लगभग इन मतलब इन्होंने ही कही थी कि जो आपका ये या जो इतिहास की जो भी घटनाएं घटी हैं मतलब वो सब क्या हैं, उसके पीछे जो देवी प्रेरणा काम करती है, ये मानते हैं। और यही चीज इन्होंने वस्तु के निर्माण में, या फिर यूं कहें आपका जो जिस चीज का हम अनुकरण कर रहे हैं, मतलब वस्तु ही हुई ना वो चीज जिसका निर्माण, जिसका अनुकरण हमारे रचनाकार करते हैं, ये कहते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, दैवीय प्रेरणा के अनुसार ही हुई है, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि जो हमारा साहित्य भी रहा उसकी रचना भी किससे होती है, दैवीय प्रेरणा से, मानी आपके प्लेटो ने, ठीक है। तो प्लेटो क्या मानते हैं, ये कला को अनुकृति मानते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। किसका अनुकरण मानते हैं, अनुकरण का ही अनुकरण इसको माना है, इसलिए इन्होंने बोला कि ये क्या है, सत्य से 3 गुना दूर है, ठीक है। एंड अगर पूछा जाए कि क्या ये संगीत को महत्व देते थे, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि प्लेटो ने संगीत को भी महत्व दिया हुआ है ना, इस चीज को भी आप याद रख लेना थोड़ा सा। तो यहां पर आई थिंक इतनी सी चीजें हैं जो आपको प्लेटो से याद रखनी है, एंड बाकी चीजें इसमें कोई खास बात नहीं है। संगीत के साथ साथ अगर आपको पूछा जाए कि इन्होंने अच्छी रचना किसे माना है, तो ये कहते हैं कि जिसमें सच्चाई के साथ साथ अच्छे चरित्र का वर्णन हुआ हो, वही क्या है आपका साहित्य रहता है, क्या आपकी ये जिसको हम सही मायने में मतलब सही रचना मानेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है इनसे, ठीक है। तो ये था आपका प्लेटो, ओके है यहां तक। सर, ये जो आपने बताया ना, अच्छी रचना वही है जिसमें सच्चाई के साथ अच्छे चरित्र का भी वर्णन हुआ है, हाँ
मतलब ये नहीं कि सच्चरित्रता की बात रिपब्लिक करेंगे। मतलब बात की है, किसी बुक की लाइंस नहीं है ये। बुक की लाइंस तो नहीं है, मतलब आपने ऐसे याद रखना कि इनका जो मत है साहित्य के बारे में या रचना के बारे में, कि सही मायने में कौन सी कृति जो है सही है ना, ये चीज याद रखनी है आपको इनसे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। तो वैसे इतना डीपली जाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पूछा जाएगा, आपको सिंपल सिंपल चीजें ही पूछी जाएंगी इनसे, कोई खास बात वैसे नहीं पूछी गई है जहां तक आपने पेपर देखना है, बशर्ते आपको पहुंचना जरूर है इन तक, है ना, कि ये इनका जो रचनाएं या ये किस प्रकार के लेखक हैं। जी ललिता मैम, ललिता सर प्रत्यवादी चिंतक क्या होता है? प्रत्ययवादी, अभी तो बताया जैसे आइडियलिस्ट लिखा है ना यहाँ पर, आइडियलिस्ट हुआ मतलब आपका एक तरीके से आदर्शात्मकता, जो यही बात तो इसने अभी जो लास्ट वाली लाइन मैंने कही ना, इसने बोला कि सच्ची रचना वही है जिसमें उच्च चरित्र या सच्चे चरित्र की बात भी कही गई हो सफाई के साथ, है ना, मतलब जहां पर आदर्शात्मकता की ये बात कर रहा है ना, अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा साहित्य जो है सिर्फ सच सच को ही प्रदर्शित करता है, सही मायने में जो साहित्य क्या है वो जो बुरी चीजों को भी हमारे सामने रखता है, तो ये चीज है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फिर यहां पर अरस्तु, जो दूसरा नाम यूनान के रहे, देखिए प्लेटो के शिष्य रहे। एक चीज यहां पर प्लेटो से रह गई, प्लेटो के जो पिता थे वो थे अरिस्टोन, कई बार मान लीजिए अब जैसे पिछली बार इससे पूछा था तो प्लेटो के पिता का भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसको आपने याद रखना है, सर ठीक है, एक बार अरिस्टोन रिपीट और करना नाम। पेरिक्टियन। एरिस्टोन, कहाँ गया वो, ऐसे करके लिखो एरिस्टोन, ये आदर्श आया देखना, और माता का नाम था ये वाला पेरिक्टियोन, पेरिक्टियोन आई थिंक ट के पीछे से मात्रा लगेगी, इनके नाम तो एक तो उटपटांग जैसे नाम है ना, याद नहीं रहते, पेरिक्टियोन पेरिक्टियोन टियोन ऐसे, पेरिक्टियोन पेरिक्टियोन ऐसे हो सकता है, पर आपने थोड़ा सा ऐसे याद रखना, बाकी देखता हूँ इसको कि ये एग्जैक्ट क्या है ना, पेरिक्टियन। अगर आपके पास नेट की सुविधा है अभी तो वहां से भी आप सर्च करके इसको देख सकते हैं, है ना, इनके पिता और सर माता का इनके नाम। नाम भी थे डिफरेंट, मेरे हाँ जी, इनके डिफरेंट नेम भी थे अलग अलग लैंग्वेज में ना। हाँ दूसरी लैंग्वेज में, जैसे सर इंग्लिश में प्लेटो है और तो एक अरबी फारसी में भी था इनका नाम अफलातून। हाँ जी, और कुछ अफलातून, था? अफलातून हाँ वो आपको बुक में दिया हुआ है, वो पांडे वाली बुक में दिया हुआ जी है, उसको वहां से देख लेना, ठीक है, उसको वहां से देख लीजिए आप क्या क्या हैं, जो चीजें हैं, जो चीजें यहां से आपको लग रहा है ना ये छूट गई हैं, तो उनको आप एक बार यहां से याद रखिए, ठीक है, उनको वहां से याद रखना है आपने। एंड यहां पर आपका अरस्तु आता है, देखिए प्लेटो के शिष्य रहे, सिकंदर के ये गुरु थे, ठीक है, प्लेटो के शिष्य सिकंदर के गुरु, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आधार माना जाता है कि किन से शुरुआत हुई, अरस्तु से ही सही मायने में शुरुआत हुई थी, भाषा का सभी शाखाओं में अबाध गति, ये इन्होंने इसके संपूर्ण ज्ञान के बारे में बात कही कि भाषा का सभी शाखाओं में अबाध गति से क्या है ये चलती रहती है, ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ इनके माने जाते हैं 400, लेकिन प्रमुख इनमें तीन ही रहे हैं। हमारे काम की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो है पेरी पोएटिक्स, इसको सिंपली पोएटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रचना आपको याद रखनी है प्रमुख रूप से, यहाँ पर हैंडराइटिंग हो सकता है आपको समझ ना आए, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं इन रचनाओं के बारे में। टिकनेस जो रिटोरिक्स रही ये दूसरी रही, एंड वसीयतनामा तीसरी रचना है, तो सबसे जरूरी है यहाँ पर पेरी पोइटिक्स, इससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्री ग्रंथ जो पेरी पोइटिक्स है, इनमें से जो काव्य शास्त्र से संबंधित इनका ग्रंथ रहा, तभी मैंने कहा कि हमारे काम का ये सबसे जरूरी है, और ये वाला प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा गया है देखना, कि पेरी पोइटिक्स जो रचना रही है इसमें कितने अध्याय और पृष्ठ संख्या रखी गई है, तो इसमें कुल 26 अध्याय और 50 ही पृष्ठ हैं, ये प्रश्न कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें ही बनती हैं देखना, इनसे कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, तो सिंपल सी बात आपको यही ध्यान रखनी है आपके अरस्तु से। अरस्तु क्या कहते हैं, देखिए कला और ललित कला में भेद करने वाले पहले काव्य शास्त्री रहे हैं, दो तरीके की कला होती है, एक सिंपल कला जिसमें आपकी सब चीजें रहती हैं, ललित कला मतलब जहां पर आपकी आनंद अनुभूति वाली जो चीजें हैं जो साहित्य है वो रचा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ललित निबंध लेते हैं तो वहां पर उन निबंधों का काम क्या है, सिंपली आपको आह्लादित करना ही रहा है, तो ऐसे इन्होंने बोला कि साहित्य भी दो तरीके का है, एक आनंद करने के लिए, दूसरा आपका
जो मुख्य साहित्य है जिसमें सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा करने वाले ये पहले काव्य शास्त्री बने। ललित कला की स्वायत्तता की इन्होंने घोषणा की, इन्होंने बोला कि जो स्वतंत्र रचनाएं हैं या सॉरी स्वतंत्र नहीं, जो आपकी इस प्रकार की या आनंददायी जो रचनाएं हैं उनको क्या है, स्वतंत्र उनको घोषित कर देना चाहिए। फिर आता है जो प्रमुख सिद्धांत इन्होंने रखे, वो रहे विरेचन, त्रासदी, अनुकरण। विरेचन हुआ मतलब एक तरीके से शुद्धि, ठीक है। त्रासदी, त्रासदी इन्होंने आपके नाटकों के लिए कहा है, देखना इसके अंतर्गत इन्होंने माने दुखांत नाटक जो रहे हैं, और इसके इसने 6 अंग माने हैं। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, देखिए इसके नीचे 6 तभी लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि त्रासदी के कितने अंक माने, 6। अनुकरण तीसरा सिद्धांत रहा इनका, ये भी ध्यान रखना है। और अनुकरण के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया, घड़े का सहारा लिया है, ये प्रश्न इनसे कई बार पूछा जाता है, देखना इसको आपने याद रखना है। तो इसने क्या कहा अरस्तु ने, इसने बोला कि अनुकरण क्या है, एक पुनर्सृजन पुनर्सर्जना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना पुनः सर्जना किसने माना अनुकरण को, ये मानते थे अरस्तु, ठीक है। इन्होंने बोला मान लीजिए एक घड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है, अब जो दूसरा घड़ा बनेगा वो वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन उसको फिर से हम बना रहे हैं, इसलिए इसने माना कि अनुकरण क्या है, पुनर्सृजन है। अनुकरण से रिलेटेड देखना, पिछली बार आपको एलटी कमीशन में एक प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर बूचर के अनुसार क्या कथन रहा है, तो पांडियन पांडे में ये चीज लिखी गई है, बीच में आपको कहीं एक पंक्ति मिलेगी उसको जरूर पढ़ लेना। उसने बोला था कि ये सादृश्य विधान नहीं है, मतलब अनुकरण नहीं है, कुछ और चीज है ये, ठीक है, उसको आपने वहां से देख लेना है थोड़ी सी चीजें। तो जो भी अरस्तु से बाद वाली चीजें हैं ना, इनको पता आपने क्या करना है, इन उन बुक्स से आपको मतलब एक एक लाइन वहां से आपके लिए बहुत जरूरी है, जो बाद के रहे हैं अरस्तु के बाद के जितने भी रचनाकार रहे हैं उनको वहां से आप देखिए, हर एक लाइन में आपको एक प्रश्न जरूर देखेगा, अगर सही तरीके से आप ढंग से देखेंगे ना उस बुक को, मतलब आपके बहुत सारे प्रश्न वहीं से क्लियर हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको फिर और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको यहां पर और याद रखनी है, जैसे अरस्तु से कुछ एक चीजें रही, मतलब फिलहाल, मतलब जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, देखिए उनमें से जैसे अरस्तु से संबंधित जैसे अनुकरण शब्द के लिए इसने मिमेसिस, ठीक है, इस तरीके का कुछ शब्द रखा है जो यूनानी का शब्द रहा, तो मतलब वो वाला पोर्शन आपने थोड़ा सा खुद से देख लेना, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लेंगे ये काम कर लेंगे या नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल बात वहां से नहीं है। सिद्धांत आपको तीनों याद हो गए, अनुकरण को क्या माना, पुनर्सरजना माना, जो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा चीजें याद रखेंगे तो कोई मतलब वो उसमें परेशान हो जाएंगे, तो जो मुख्य मुख्य चीजें वो लगभग यही रहेंगी। हाँ दूसरी चीज मैंने कही कि आपको जो ये शब्द हैं, जैसे एक आता है आई थिंक कथार्सिस, कुछ इस तरीके का आता, देखना जो इसने इसके लिए कहा था विरेचन वगैरह के लिए, तो इनको आप थोड़ा सा यहां से याद रख के जाएं। एंड मिमेसिस जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कथार्सिस आता है, फिर आपका कथा वस्तु के लिए इसने क्या नाम दिया, एंड जो आपका कार्य व्यापार है एक्शन, जिस उसके लिए इसने क्या शब्द रखे हैं, ये चीजें हो सकती हैं आपको पूछी जाए, हालांकि इतने ज्यादा जरूरी ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपको याद रख लेनी है ना, जो वैसे यहां पर लिख दी गई हैं उनको आप यहीं से याद रखिए। हाँ दुखांतता के जो भेद हैं वो हो सकता है आपको पूछे जाए, तो उनको आपने एक बार जरूर देखना है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से 6 भेद आते हैं, तो उनको आपने याद रख लेना, जो आपके कथानक, परियोजना, गीत वगैरह वगैरह रहते हैं उनको आपने याद रख लेना है, बाकी चीजें कोई ज्यादा खास इसमें नहीं रही, कर लेंगे इतना कर। सर जी सर, हाँ ये जो आपने बताया ना मिमेसिस और कथार्थ, ये क्या शब्द याद रखने हैं या बुक में देखना हाँ है शब्द याद केवल? रखने हैं कि इनका अर्थ इन्होंने हिंदी में क्या माना है, मतलब जैसे अनुकरण हम बोलते हैं ना, प्रश्न पता कैसे पूछा जाएगा जी कि जो आपके ये अरस्तु रहे हैं, इन्होंने आपका एक शब्द अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मिमेसिस किस भाषा का शब्द है, प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है मिमेसिस अरस्तु ने अपने काव्य में प्रयोग किया हुआ शब्द है, उनका मिमेसिस से क्या अभिप्राय रहा है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसका अभिप्राय है अनुकरण, बस ऐसे ही प्रश्न बनेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी चीज नहीं बनेगी, ठीक है ना, ओके इससे बाहर सर, नहीं बनेगा ओके कुछ, यही चीज याद रखनी है सर, आपको, ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा प्रश्न, मतलब इसको समझना है आपने थोड़ा सा, बस ये कहना क्या चाह रहे हैं वैसे ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर आज तक ना कभी प्रश्न पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा। तो बाकी देखिए आप यूजीसी नेट में मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसा पूछा है कि इसमें कितने अध्याय हैं और ये कितने पृष्ठों में विभाजित है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, है ना, इसको याद रखने की कोई जरूरत थोड़ी है, आपने बुक देख ली और हो गया कि 25 में अध्याय रहे एंड इसने इसने पृष्ठ रखे, 26 अध्याय रखे और 52 इसमें क्या रखे, इसने पृष्ठों की संख्या रखी, ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखेंगे कि
एक डेढ़ पंक्ति, मतलब डेढ़ जो पृष्ठों में एक अध्याय इसमें समाहित कर दिया। ठीक है, फिर आता है अगला जो नाम है, देखिए लोंजाइनस, इसको लुंगिनस के नाम से भी जाना जाता है, लोंजाइनस लुंगिनस लिखा है देखना मूल नाम। तो इसका एक वाद रहा जो इसको जो इसने दिया वो रहा इनका कौन सा, उदातवाद। तो उदातवाद का सर्वप्रथम निरूपण यहां पर लिखा है, देखिए ये नाम आपको याद रखना है, काके ल्यूस, काके लुई ल्यूस क्या नाम है इसका, इसको देख लेना, काके ल्यूस ली उस काके ल्यूस। ठीक है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले उदात को क्या किया, निरूपित किया, या यूं कहें कि परिभाषित इसने किया हुआ है। ये चीज भी आपको यहां पर थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है देखना ये वाली। दूसरी चीज यहां पर आपको याद रखना है देखना, कि जो आपके लोंजाइनस रहे इनका जो ये पेरी हुप्सुस एक ग्रंथ रहता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जो इनका भाषण शास्त्रीय ग्रंथ रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है, पेरी हुप्सुस बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है देखना, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई रचना है देखना। ये प्रश्न अभी इसके अनुकरण पर जो हॉरेस रहे हैं ना, जो जिसने लिखी थी आपकी आर्स पोएटिका, ठीक है, इस के आधार पर ही उस रचना को लिखा गया था, और उससे संबंधित प्रश्न ऐसे पूछा गया था आपका कि आर्स पोएटिका जो प्रकार क्या रहा है, तो वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है वो वाली रचना भी, वो बाद में आपको याद रखनी है। यहां पर हॉरेस को हमने कहीं भी बीच में अभी फिलहाल नहीं लाना है, ये इसलिए था क्योंकि आपके पास पांड्यन पांडे वाली बुक अगर होगी तो वहां पर हॉरेस को बीच में ऐड कर दिया गया है देखना, कि जो लोजाइनस से पूर्व क्या रहा, हॉरेस रहा है। ठीक है, और हॉरेस की आर्स पोएटिका के चलते ही यहां पर ये वाली जो रचना है ना वो ऐसी ही रखी गई है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरेस रहेगा यहां पर, लेकिन हॉरेस यहां पर यूनानी नहीं रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे इटालियन चिंतकों के अंतर्गत। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि हॉरेस ने क्या किया, जो आपके लोजाइनस से पहले आर्स पोएटिका लिखकर पत्रात्मक जो विधा रही है उसको लिख डाला था पहले ही, आर्स पोएटिका को। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये सर पत्रात्मक तो समझ में आ गई ना, पर एक आपने और भी लिखवाया, ये भाषण शास्त्रीय ग्रंथ है। ये तो भाषण शास्त्रीय ग्रंथ हुआ, मतलब जैसे आपका जिसको हम क्या कहेंगे, मतलब भाषण टाइप जिसको लिखा गया है ना, जी एक सर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब आप सिंपल ऐसा याद रखिए कि उसने एक व्याख्यानात्मक तरीके से कि एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने इस ग्रंथ में, मान लीजिए जैसे आप निबंधात्मकता में लिखते हैं ना, कि ये मेरा मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं इसमें खाली, और चीजें इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखना जी इसको। इसमें ये कह रहा है कि कितने पृष्ठ हैं, देखिए 60 पृष्ठ हैं एंड 44 इसमें अध्याय हैं, ये चीज आगे लिखी गई है, इसको आपने यहां से देखना है। ठीक है, भाषण शास्त्र ग्रंथ जो पेरी हुप्सुस रहा। तो अगर हम बात करें यूनानियों में, कि यूनानियों में किसने लिखा जो पत्रात्मक विधि में, तो यहां पर आपको याद रखना है जो पेरी हुप्सुस रचना लिखी गई है ये लिखी गई है पत्रात्मक विधि में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ओके, फिर दूसरी चीज यहां पर आपको और क्या याद रखनी है इसके बारे में, कि काव्य की आत्मा ये क्या मानते हैं, उदात्तता को मानता है। उदात्त का मतलब वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई निम्न कोटि की रचना होनी चाहिए, कहता है कि काव्य की जो आत्मा होती है वो उदात्त होती है भाई, इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहा गया, उदात्तवाद कहा गया है। उदात्त को इसने क्या माना, उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ठीक है, अभिव्यंजन मतलब अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय प्रकर्ष, अनिर्वचनीय प्रकर्ष का मतलब हुआ कि उसको हम बता नहीं सकते ये कितना महत्वपूर्ण है या कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी उदात्तता। ठीक है, या विशिष्टता को हम नहीं बता सकते हैं, है ना, किसी के उच्चता के गुण को हम व्याख्यान मतलब ऐसे नहीं कर सकते, वो हम उसको जस्ट इमेजिन मतलब हम कह सकते हैं कि उदात्त जो चरित्र है। ठीक है, अब कोई ईमानदार है उसको देखा थोड़ी जा सकता है, उसको अनिर्वचन अनिर्वचनीय है ना, वो बताया नहीं जा सकता उस चीज को। तो यही ये कह रहा है यहाँ पर कि उदात्त के संदर्भ में इसके क्या कथन है, कि ये अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ठीक है, ये चीज भी किसने कही, लोंजाइनस से ही कही है। तो ये चीजें इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। मेन मेन जो रचना यहां पर रही है वो रही इनकी पेरी हुप्सुस, ये प्रश्न पूछा गया है पुराने पेपरों में, तो इसको आपने याद रखना है। एंड यहां पर इसने उदात्त के जो स्रोत माने हैं, कि उदात्त के कितने स्रोत रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि उदात्त के स्रोत इसने 5 माने हैं, कि ये कहता है कि महान विचारों की उद्भावना होनी चाहिए उसमें, ठीक है, अंतःप्रेरित प्रभाव होना चाहिए,
ठीक है, आंतरिक प्रेरणा की बात जो करता है। अलंकारों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए, भाव पद योजना होनी चाहिए, कि पद योजना वो हम तो रखते तो हैं लेकिन वो कैसे होने चाहिए, भावपूर्ण होने चाहिए। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का भी समुचित प्रभाव रहना चाहिए, तभी हमारी जो रचना है वो उदात्त हो सकती है। ये माने इसने कि चार पांच स्रोत इसमें रहे हैं। फिर इसने बोला कि उदात्त के कुछ अवरोधक भी रहते हैं, तो तीन इसने इसके अवरोधक माने जो उदात्त के रास्ते में कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करते हैं, हमारी रचना को उदात्त बनाने से रोकते हैं। तो पहला है शब्दाडंबर, कि शब्दों में हम उसमें आडंबर चीज मतलब इस तरीके की कुछ चीजें नहीं ला सकते, जबरदस्ती वाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरी चीज रखी यहां पर बलिष्ठता, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उदात्त के अवरोधकों में वो रहेगी बलिष्ठता, एंड लास्ट में रहेगा आपका भावाडंबर, ठीक है, कि आप भावों के भी आडंबर से उसको मुक्त रखेंगे तभी हमारी रचना क्या रहेगी, ज्यादा श्रेष्ठ होगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रखिए, बाकी चीजें यहां से कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिनसे आपको प्रश्न बन सकता है। तो इनको याद रखना है आपको कि ये आपके प्रमुख प्रमुख जो यूनानी चिंतक रहे, जिनसे आपको हर एक रचनाकार से कुछ एक जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो इनको आप फिलहाल याद रखिए। यहां तक ठीक है? यस जी सर। आपके लिए सर ये काफी है। थोड़ी थोड़ी चीजें इनको यहीं से आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है ना कुछ चीजें छूट रही हैं तो उनको आप अब पांडे वाली बुक से देख लेना, वो आपके लिए बड़ी सही बुक रहेगी। वहां से आपको जो जो चीजें छूट रही हैं इनको वहीं से देख लेना है, ठीक है, तो एक बार आप उसको जरूर देखें। वैसे इतना अगर आप इतना सच देख लेंगे ना तो मैं समझता हूँ कि आपकी सारी चीजें यहीं से ही क्लियर हो जाएंगी। हैंडराइटिंग का देख लेना, अगर इसको समझ ना आ रहा हो आपको तो बुक से ही देख लेना इसको, है ना, आपके पास जो बुक है। सर आ रही है, समझ आ रही है सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। आनी तो चाहिए वैसे, पता नहीं, वैसे बहुत खराब लिखता हूं मैं तो आ जब रही है ऐसे सर, लिखता हूं। नहीं आ रही है समझ आगे आगे आपकी। ठीक लिखा है, आगे आगे कोशिश किया। वैसे इसके बाद नहीं मिलेगा अभी आपको फिलहाल ये हैंड रिटन, इसके बाद मैंने कोशिश की है कि जो आपको दूसरे वाले नोट्स नहीं मतलब पीपीटी में ही रखा गया है चीजों को, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुश्किल तो हो सकता है अभी थोड़ा सा, पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। आपने याद रखना है रचनाकार, उसकी रचना, उसका प्रकार, ठीक है, इतने ही प्रश्न, और दूसरा इनकी कंट्रीज, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे इनको याद रखते जाना है आपने। और इसके लिए आप पहले ही चाहे एक ऐसा कर लीजिए एक सिस्टम कि आपको अलग अलग, जैसे राइटर आज आपने पढ़े ना, एक जगह ये दूसरी जगह दूसरे वाले, मतलब एक पेज में आपको हर जगह के जो राइटर्स हैं इनको एक साथ रखना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए कि क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। कल देखते हैं फिर इटालियन चिंतक या आपके जो लैटिन के जो रहे हैं उनको, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट ओके सर। देन, मिलते हैं फिर कल शाम ठीक 9 बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।